और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी सपा को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को भ्रष्टाचार की जननी बता रही है। ऐसे में सूबे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की सुरक्षा घटाए जाने पर बीजेपी पर तंज कसती हुई कहा कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है, और ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बीजेपी के वंशवाद पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव के वंशवाद के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार की अवधारणा संकुचित हो चुकी है। शिवपाल यादव भाई धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे, जबकि मैनपुरी से डिंपल यादव के लिए चुनावी प्रचार जरूर करती हुई नजर आ रही हैं। शिवपाल यादव चुनावी चाचा बन गए हैं, चुनाव के बाद चाचा स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वहीं सपा और बीजेपी की जुबानी जंग के अखाड़े में कांग्रेस भी कूद चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सूबे में 8 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपियों को जेल में बंद क्यों नहीं किया? आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर किसने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में, भाजपा की ईमानदार नीयत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल की सलाखों में पीछे होते, वो जेड केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या जिन राज्यों में इनकी सरकार है, ये केवल विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही टारगेट करते हैं। जब देखते हैं कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हताशा निराशा जो है वो इस तरीके से टारगेट करके डिमोलाइज करते हैं, ताकि ये लोग डिमोलाइज हो जाएं, चुनाव प्रचार में ना जाएं, दूसरे जगह व्यस्त हो जाएं, जिससे इनको हर हथकंडे अपना करके चुनाव जीतना। क्योंकि भाजपा वो लोकतंत्र में भय तंत्र को हावी करना चाहती है। जो नेता, पत्रकार, पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और जिस तरीके से सीबीआई ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से, वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अब परिवार की अवधारणा बहुत संकुचित हो गई है। अब परिवार में केवल MBBS यानी मियां बीवी बच्चों सहित केवल इतने तक सीमित हो गया है, वरना आज मैनपुरी में गांव गांव गली गली जाकर के अखिलेश यादव जी हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं।